एक बहुत घने जंगल में कुछ जंगली जानवर रहते थे। उनका बादशाह एक शेर था। वो शेर बहुत मगरूर और बहुत जालिम भी था। एक दिन इन सब जानवरों ने सोचा कि वो जाके शेर को कुछ कहते हैं। वो सब चले गए शेर के पास। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने शेर को कहा, शेर बादशाह, अगर तुम सब जानवरों को खा लोगे तो सब मर जाएंगे और फिर तुम किसको खाओगे? शेर ने हंसते हुए बोला, हा हा, तुम लोग ये क्या सोचते हो, और जानवर आ जाएंगे। तो इस तरह से उसने एक खरगोश पर झपट कर उसे मार डाला और फिर सारे जानवर डर कर वापस अपने घर में चले गए। एक दिन एक बहुत अकलमंद हिरन एक शेर के पास आया और कहा, शेर बादशाह, एक और शेर आ गया इस जंगल में और वो बोल रहा है कि अब मैं इस जंगल का बादशाह हूँ और मैं इधर राज करूंगा। शेर ये सुनकर उसका चेहरे का रंग लाल हो गया और उसने हिरन को कहा कि वो मुझे रास्ता दिखाए। हिरन ने उसको रास्ता दिखाया। वो उसे एक नदी किनारे ले गए और जहाँ उस शेर ने देखा कि उस हिरन ने शेर को कहा कि पानी के अंदर देखो, वो देखो शेर तैर रहा है। उसने पानी के अंदर देखा लेकिन पानी के अंदर एक और शेर था उसकी जैसा ही। उसने गुस्से में आके उसके ऊपर छलांग मारी और नदी के अंदर डूबकर मर गया।